नरेंद्र मोदी, इस नाम को आगे से कभी लाइटली मत लेना। मैं विक्रम बजाज आज लेकर आया हूं फिर एक बार खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। अब तक हमने इस देश में सिर्फ बातें करने वाले नेता देखे हैं, जो विज्ञापन, टीवी, सोशल मीडिया पर आकर भाषणबाजी का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन सही में कुछ करके दिखाएं, ऐसे एक ही बोल्ड नेता आज हैं हमारे पास, नरेंद्र मोदी, जो कठिन फैसले लेने से कतराते नहीं। थोड़े समय पहले उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में वार्निंग दी थी कि सुधर जाओ, वरना जिस भाषा में समझते हो उसी में जवाब देंगे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आतंकी हरकतें चालू रखी, फिर क्या हुआ हम सबको पता है। उसके बाद नंबर आया काले धन वालों का, पहले रिक्वेस्ट की फिर चेतावनी दी, लेकिन नहीं, सबको लगता था कि पिछली सरकारों की तरह ये तो बस बातें हैं। पर 8 नवंबर को जब देश में काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब देश के सभी काले भंडारों में आग लग गई। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और तरीका भी क्या कमाल था, एक तीर और 3 निशाने। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नकली नोटों का कारोबार करने वाले सब पर सीधा अटैक। जरा सोचिए, इस देश में कभी कोई राजनेता भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई कर सकता है? तो जरा सोचिए, ऐसे फैसले वही नेता ले सकते हैं जो खुद करप्ट ना हो, जैसे कि मोदी जी, जो खुद जमीन से जुड़े हुए हो, जो खुद नीति के साफ हो, जैसे कि मोदी जी, जिसे काले धन के जमाखोरों की नहीं गरीबों की चिंता हो, जो खुद कॉकटेल सर्कल का मेंबर ना हो, जैसे कि मोदी जी, जिसे दामाद, साडू, भाई, भतीजा या किसी भी रिश्तेदार के ऐसे हित की रक्षा करने की नहीं या किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मोदी जी। जरा सोचिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से कैसे इस सोच पर अमल उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले गरीबों के खाते खुलवाए, फिर उन्हें आधार कार्ड से लिंक किया, उनके हक के सारे लाभ उनके ही बैंक अकाउंट में पहुंचाना शुरू किया और 500,000 की पुरानी करेंसी बंद करने का निर्णय लिया। इस फैसले से देश को आतंकवाद और अपराध से कमजोर बनाने वाले खुद कमजोर बनेंगे, गरीब और मिडिल क्लास बनेंगे ताकतवर, क्योंकि उनकी पहुंच से बाहर वाली चीजें जैसे कि रियल एस्टेट, हायर एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अब उनकी पहुंच में आ जाएंगे। और हाँ, एक और खास बात, नेक्स्ट टाइम मोदी जी कुछ बोले तो लाइटली मत लेना, बंदा नेशनलिस्ट है, कुछ भी कर जाएगा देश के लिए। तो जरा सोचिए, मोदी जी के इस फैसले से जो खुश नहीं है उन्हें आप क्या कहेंगे?